हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बिना इस्टे डाले बिल्कुल सॉफ्ट फूले फूले और जालीदार भटूरे बनाएंगे। साथ में घर पर ही छोले का मसाला बनाएंगे। फ्रेश घर पर बने मसाले के साथ ही हम बहुत ही स्वादिष्ट छोले भी बनाएंगे। तो चलिए इस छोले भटूरे की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक कप काबुली चने को रात भर पानी में सोख करके रखा था, पानी हमने निकाल दिया है। अब हम चने को प्रेशर कुकर में डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप चाय पत्ती का पानी। आधे कप पानी में हमने 1 टीस्पून चाय पत्ती को डालकर उबालकर इस पानी को छान कर लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह पर आप एक टी बैग या फिर चाय पत्ती की पोटली बनाकर भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टुकड़ा दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 1/4 टीस्पून मीठा सोडा और अब हम इसमें डालेंगे 3 कप जितना पानी। और अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर इसे गैस पर रखेंगे और अब हम इसे 5 से 6 सीटी आने तक पकने देंगे। 6 सीटी आने के बाद गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया था और कुकर थोड़ा ठंडा हो गया है, तो अब हम छोले को चेक करेंगे। इस प्रकार से दबाकर देखेंगे तो चने अच्छे से पक गए हैं। अगर कच्चे हैं तो हम 1 से 2 सीटी और भी ले सकते हैं। अभी हम इसे अलग रखेंगे और अब हम भटूरे के लिए आटा तैयार करेंगे। हम लेंगे 1/4 कप सूजी और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप हल्का गरम दूध। हल्के गरम दूध में सूजी जल्दी फूल जाएगी। दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसे 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 15 मिनट बाद सूजी अच्छे से फूल गई है, इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप या 4 टेबल स्पून फ्रेश दही, 1 टीस्पून नमक, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं, 1 टीस्पून शुगर पाउडर, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी जिसे हमने क्रश कर लिया है, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। सभी को एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 कप मैदा। मैदे को हमने छान कर लिया है। मैदे को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा हल्का गरम दूध डालते हुए इसका आटा लगाएंगे। आटा हमें बिल्कुल सॉफ्ट लगाना है। आटा लगाने के बाद आटे को प्लेटफॉर्म या किसी भी बोर्ड पर रखेंगे और अब हम लेंगे 2 टीस्पून तेल। थोड़ा थोड़ा तेल लगाते हुए आटे को अच्छे से मसलते हुए चिकना कर लेंगे, जैसे कि हम ब्रेड या पाव के लिए आटे को मसलते हैं। आटे को मसलने में 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा। पाँच से सात मिनट आटे को हमने मसलते हुए अच्छे से चिकना कर लिया है। अब हम बाउल में तेल लगाएंगे, आटे के ऊपर भी थोड़ा सा तेल लगाएंगे और अब हम इसे गीले कपड़े से ढककर 1 घंटे के लिए अलग रखेंगे। और अब हम छोले के लिए घर पर ही छोले का मसाला बनाएंगे। गैस ऑन करके पैन में डालेंगे 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून जीरा, 3 लौंग, 7 से 8 काली मिर्च, 1 टुकड़ा दालचीनी, 1 हरी इलायची, 1 छोटा सा टुकड़ा जावित्री, 4 छोटी साइज की सूखी हुई लाल मिर्च। सभी मसाले को लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। मसाले को हमें लगातार चलाते रहना है। 2 से 3 मिनट मसाले को हमने भून लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद मसाले को हम मिक्सी के छोटे जार में डालेंगे। साथ में डालेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर। अब हम मसाले को पीस लेंगे। मसाले को हमने पीस लिया है, अब हम इसे अलग निकाल कर रखेंगे और अब हम सेम जार में डालेंगे 3 मीडियम साइज के टमाटर जिसे हमने रफली काट कर लिया है। टमाटर को पीस के हम इसका पेस्ट बना लेंगे। टमाटर को भी हमने पीस लिया है, इसे भी अब हम अलग रखेंगे और अब हम गैस ऑन करके पैन में 3 टेबल स्पून तेल डालेंगे। तेल को गरम होने देंगे। तेल के गरम होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 1 बड़ी इलायची, 1 तेज पत्ता। कुछ सेकेंड इन्हें भून लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज जिसे हमने बिल्कुल बारीक बारीक काट कर लिया है। प्याज को हम मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। 3 से 4 मिनट प्याज को हमने भून लिया है।
अब हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 से 2 मिनट इसे और भून लेंगे। गैस की फ्लेम को हम लो रखेंगे और अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ये मिर्च तीखी नहीं होती है, केवल इससे कलर अच्छा आएगा। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और अब हम सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम मसाले में टमाटर का पेस्ट डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम मसाले को ढककर 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देंगे। बीच में मसाले को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। 5 से 7 मिनट मसाले को हमने ढककर भून लिया है। अब हम इसमें छोले का मसाला डालेंगे जो हमने बनाकर रखा था, इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें उबले हुए चने डालेंगे और इसे अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे ढककर 5 से 6 मिनट तक और पकने देंगे। पाँच से छः मिनट पकने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 कप गर्म पानी। पानी की मात्रा आप अपने अनुसार थोड़ी सी कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और अब हम इसे ढककर 5 से 6 मिनट तक और पकने देंगे। 5 से 6 मिनट बाद एक बार छोले को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसके लिए एक तड़का बनाएंगे। गैस ऑन करके तड़का पैन में हमने 1 टेबल स्पून तेल गर्म किया है और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून लहसुन बारीक कटी हुई, 1 टीस्पून अदरक बारीक कटा हुआ। लहसुन और अदरक को कुछ देर तक फ्राई करेंगे। लहसुन और अदरक के फ्राई होने के बाद गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1 लंबी कटी हुई हरी मिर्च, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी, 1/4 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे और तड़के को तुरंत छोले पर डालेंगे और इसे मिक्स कर देंगे। ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो छोले बनकर तैयार है। अब हम इसे अलग रखेंगे और अब हम भटूरे बनाएंगे। आटे को रखे भी 1 घंटा हो गया है, इसे मसलते हुए इसकी लोई बनाएंगे। इस आटे से हम 8 से 10 भटूरे आराम से बना सकते हैं। सारी लोई को बनाने के बाद इस लोई पर हम तेल लगाकर इसे ढककर अलग रखेंगे। एक लोई को हमने लिया है, इसे अब हम बेलेंगे। भटूरे को आप गोल या लंबे किसी भी शेप में बेल सकते हैं। अभी हम भटूरे को लंबाई में बेलेंगे। भटूरे को हमें रोटी के जैसा बेलना है, ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, क्योंकि जैसे ही भटूरे को हम उठाएंगे तो ये थोड़ा सा सिकुड़ेगा। तो भटूरे को बेलने के बाद इस प्रकार से हम इसे उठाएंगे और उठाने के बाद हम इसे तुरंत गरम गरम तेल में डालेंगे। तेल को हमने पहले से ही अच्छे से गरम करके रखा था। भटूरे को हमें अच्छे से गरम तेल में ही फ्राई करना है। जैसे ही भटूरा अच्छे से फूल जाएगा तो इसे पलट देंगे। भटूरे को फ्राई करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। एक एक भटूरे को हम बेलेंगे और इसी प्रकार से फ्राई करेंगे। सारे भटूरे हमारे फुले फुले और बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। तो इसी प्रकार से हम सारे भटूरे बनाकर तैयार कर लेंगे। भटूरे को हम गर्मा गर्म छोले, मसाला, प्याज, रायता और अचार के साथ सर्व करेंगे। भटूरे अंदर से जालीदार और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। इस छोले भटूरे की रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।